आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो गाइस, अब आप घर बैठे टीचर बन सकते हैं, आप एंड्रॉयड फोन में वीडियो बनाकर कमा सकते हैं। जो भी साथी घर बैठ के टीचर बनना चाहते हैं, बाहर नहीं पढ़ाना चाहते, उनके लिए सुनहरा मौका है। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ साथियों की DSSB में मीटिंग फिक्स हुई थी, और मीटिंग में क्या रिजल्ट आया है, क्या जवाब मिला है, DSSB ने क्या कहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि MCD PRT रिजल्ट, और इसके बाद था जो डिलीटेड क्वेश्चन है उनको किस हिसाब से वो एडजस्ट करेंगे। तो MCD PRT रिजल्ट के बारे में उन्होंने बताया कि रिजल्ट पर काम चल रहा है, और जब सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो रिजल्ट डाल देंगे। तो रिजल्ट का तो ये क्वेश्चन ये रहा कि जब सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे सभी के, तो उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। इसके बाद था डिलीटेड क्वेश्चन का टॉपिक, तो उन्होंने कहा है जो क्वेश्चन डिलीट करने हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको हटाने के बाद परसेंटेज के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स डिसाइड होंगे, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। इसका मतलब है कि अगर 28 वाले एग्जाम में से सपोज करो 75 मार्क्स में से कोई 30 मार्क्स लेके आ रहा है, तो 30 मार्क्स कितने हो जाएंगे 75 में से, 40%। तो वो 30 मार्क्स क्या माने जाएंगे, 40 मार्क्स माने जाएंगे। तो इस हिसाब से वो टोटल मार्क्स है जो वो डिसाइड करेंगे। इसके बाद टॉपिक और भी था स्पेशल एजुकेटर का, जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है अभी कोर्ट में है, और कोर्ट के डिसीजन के बाद ही इस पोस्ट कोड का भविष्य तय होगा। और TGT वगैरह के जो रिजल्ट के बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा है कि जब सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद ही वो रिजल्ट डिसाइड करेंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आपके जो क्वेश्चन है उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वो क्वेश्चन भी हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट ज़रूर दें, और इसके बाद DSSB से जुड़ी हर खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद बता देना चाहता हूँ कि आप अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं घर बैठे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लेसन बनाने हैं अनअकैडमी पर अगर आप टीच करना चाहते हैं। तो गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।